जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग सीरीज सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे। काफी डिमांडिंग वीडियो है, लोगों को कमेंट आ रहे थे इसके ऊपर वीडियो बनाने को लेकर, तो सोचा चलिए इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी कैसी है, इसमें खासकर नए लोगों को पैसे लगाना सही रहे कि नहीं, और साथ में जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है तो उनको क्या करने की जरूरत है इसके बारे में भी समझेंगे। शेयर में देखिए तेजी का माहौल तो देखते हुए बन रहा है, लेकिन ये तेजी टिकाऊ है कि नहीं, और ये मतलब चूंकि तेजी टिकाऊ रहेगा तभी शेयर प्राइस में जिनका शॉर्ट टर्म का टारगेट है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सबसे पहले कंपनी के यदि हम लोग काम को डिस्कस करें तो कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और साथ में इन्वेस्टिंग भी करती है। आजकल जितने भी आप कंपनियां देखेंगे जो फाइनेंस का सेक्टर से, तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट करेगी ही करेगी। इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में भी फाइनेंशियल सेक्टर वाली जो कंपनी है वो ध्यान देती है। तो काम तो काफ़ी है कंपनी का, लेकिन सिर्फ काम को समझ के हम इसमें पैसा नहीं डाल सकते, इसके लिए और भी तमाम पहलुओं को डिस्कस करने होता है। सबसे पहले हम लोग कंपनी का फंडामेंटल समझते हैं। तकरीबन 35 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है ये, और स्टॉक का पी देखेंगे तो तकरीबन 1170 के आसपास, काफ़ी वैल्यूएशन वाइज स्टॉक महंगा है ये। भले शेयर प्राइस आपको 44 पैसा ये कम लग सकता है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज जब देखेंगे तो ये काफ़ी महंगा स्टॉक है। खैर, हम लोग चार्ट पर देखेंगे कहाँ पर क्या करना है, लेकिन चिंता वाली बात यह है हालांकि बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ज़्यादा ये तो बढ़िया बात है, लेकिन जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो माइनस में है। यानी यदि आपका इसमें किसी का पहले से भी पैसा लगा हुआ है तो उन्हें कोई अभी तक रिटर्न इसमें नहीं मिला हुआ, और आप भी यदि इसमें तुरंत पैसा लगाने जाएंगे तो चूंकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई रिटर्न हाल फिलहाल के दिनों में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जब तक कि रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव नहीं आ जाता या अचानक से कुछ बहुत बड़ा मोमेंट इसके शेयर प्राइस में देखने को ना मिल जाए। हम लोग आ गए हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर, और यहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले कंपनी के चार्ट को एनालिसिस करने से पहले जब बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर हम आते हैं और यहाँ पर सीरीज सिक्योरिटीज लिमिटेड को ओपन करते हैं, नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक आपको लगातार कुछ दिनों से लोअर सर्किट में चलते हुए दिख रहा है। हालांकि बीच बीच में अपर सर्किट भी टच करता है, लेकिन ज़्यादातर ये स्टॉक आप देखेंगे तो लोअर सर्किट में ही आपको चलते हुए दिखाई देगा। जहाँ देखिए लोअर सर्किट इसमें ज़्यादातर लग रही, मतलब एक बात स्पष्ट है कि कंपनी में भले शेयर प्राइस में बीच बीच में अपर सर्किट लगने को दिख रहा है, लेकिन लोअर सर्किट ज़्यादा लगने की वजह से प्राइस में फिर जितना ऊपर चढ़ता है प्राइस उतना ही ज़्यादा फिर नीचे आ जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, अब आपको चार्ट समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसके लिए जो 60 पैसे के लेवल है, 60 पैसा से लेके 40 पैसा, इसी के बीच में स्टॉक का प्राइस काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। जिस दिन इस कंसोलिडेशन इसको ये ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट ही होगा, और प्राइस इससे ऊपर निकलेगा। ऊपर निकलेगा तो सबसे पहले इजीली आपको 150 रुपये के आसपास जाते हुए प्राइस दिखेगा, क्योंकि 150 रुपये के आसपास ही सबसे पहले ये जो आप लेवल देख रहे हैं ना 80 पैसा, ये तो इसको इजीली ब्रेक कर दे, क्योंकि इतना लंबा ये ब्रेकआउट होने वाला है, इतना लंबा कंसोलिडेशन एक्सपीरियंस का ब्रेकआउट होगा, तो ये इसके लिए कुछ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। इसके ऊपर यही एक रेजिस्टेंस है 150 रुपये के आसपास, जो कि 150 रुपये के आसपास प्राइस आपको इजीली जाते हुए दिखेगा जब इसके इस रेंज से बाहर निकलेगा। तो आप शॉर्ट टर्म में यहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है वो अपना पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि प्राइस इसके नीचे भी जाने की संभावना बहुत कम है। निकलेगा क्योंकि रेंज में है, निकलेगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो जो लोग पहले से फंसे हुए हैं तो वो अपना पोजीशन चाहे तो यहाँ पर उसको आरोप कर सकते हैं। नया इन्वेस्टमेंट करने की या नया एवरेजिंग करने की इसमें अभी सलाह नहीं दी जाएगी, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल उतने बेहतर नजर नहीं आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में जो आप देखेंगे तो कंपनी के Q3 के नंबर तो आ गए हैं, लेकिन Q3 के नंबर में आपको सेल्स पिछले क्वार्टर मुकाबले बढ़ते हुए दिखा है, तो ये थोड़ी सी एक पॉजिटिव खबर है कंपेरेटिवली देखें तो, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से कंपनी के नंबर्स लगातार जो सेल्स है कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जब नेट जो सेल्स बढ़ रहा है, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसके बदौलत शेयर के प्राइस में आपको तेजी देखने को मिल रही है, जो मैंने शुरू में दिखाया, लेकिन लोअर सेकंड भी बार बार लग रहा है, क्योंकि अभी फंडामेंटल उतना बेहतर नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे कंपनी के बैलेंस शीट में, तो आप पाएंगे कि कंपनी के बैलेंस शीट में जो डेप्ट है कंपनी के पास, जो कर्जा है, वो कर्जा तो भले नहीं है, लेकिन कंपनी के पास जो रिजर्व, अच्छी बात है कि कर्जा नहीं है कंपनी के पास, लेकिन जो फ्री कैश फ्लो होता है वो नहीं है, वो अभी देखेंगे तो माइनस में है। तो फंडामेंटल मतलब आधा चीज़ बढ़िया है फंडामेंटल में, और आधा चीज़ निगेटिव है। इससे ये पता लगता है कि कंपनी के मतलब पोटेंशियल अभी इसमें आने में और समय लग सकता है, आपको थोड़ा इसमें और समय देना होगा। जब आप इन्वेस्टर्स पर आते हैं, यानी कि जहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो उसमें देखेंगे कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इस स्टॉक में काफ़ी बढ़िया है। तकरीबन 30% के आसपास प्रमोटर्स हैं, पब्लिक की हिस्सेदारी ज़्यादातर है, जो यही सी बात है पेनी स्टॉक में ज़्यादा होता है। ओवरऑल देखें तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, वही है बस फंडामेंटल थोड़ा सा कंपनी का और बेहतर हो जाए, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो माइनस में है वो प्लस में आ जाए, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो काफ़ी बेहतर है, और सेक्टर में चूंकि ग्रोथ की संभावना है, तो उसके लिए सही है कि कंपनी का फंडामेंटल भी उस लेवल का हो, तब हो जाकर उसमें इन्वेस्टमेंट करने में मजा आएगा। तो सीरीज सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपको समझ में आ रही होगी। इससे रिलेटेड मन में यदि मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई
सवाल है, कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं कमेंट में सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।